ये है जो कूलर की मोटर है, उसको जो कूलर की जो हमारा कूलर में उसको यूज किया जाता है। ये जो कूलर की पंखा है, ये जो उसका कैपेसिटर है, उसमें जो 5 MFD का कैपेसिटर लगा है 440 VA की। ये जो इसका कैपेसिटर, ये जो उसका कूलर की मोटर की उसका जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो जाम हुई है, ये हाथ से नहीं घूम रहा है, देखो कितना टाइट लग रहा है, ऐसे फ्री रहने मांगता है, देखो ऐसे घुमाने से नहीं हो रहा है। इसको खोल के देखूंगा इसका बूस या कुछ प्रॉब्लम है, इसको कुछ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा। ये जो उसका जो कूलर मोटर है जो ऐसे फ्री घूमना चाहिए, आपको एक बार उसको चला के दिखाता हूँ। ये जो हमारा जो ये चार वायर दिया है, जो ब्लू वायर कॉमन और कॉमन वाला वायर है, ये जो ब्लू वायर कॉमन वाला वायर है, और जो ये तीन वायर है जो स्पीड कंट्रोल के लिए दिया है, ये जो तीन स्पीड कंट्रोल के वायर है, आपको इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले इसको बोर्ड में लगा के देखता हूँ, इस बोर्ड को सामने में देता हूँ। ये जो देखो है, ये है बोर्ड है, हमारे सिरिंज बोर्ड है अभी। देखो जो लाइट की, अभी इसको चेक करके देखता हूँ। अभी इसमें अभी ये जो है जो ब्लू वाला वाला दूसरा जो भी आप इसमें लगा सकते हो, ये जो तीन वायर दिया है ब्लैक रेड व्हाइट का है, जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए दिया है। आप देखो ब्लू और ब्लैक को मैं लगाता हूँ। ये जो सिरिंज बोर्ड है, ये सिरिंज बोर्ड में है, अभी इसमें लगाता हूँ। देखो बल्ब ब्लू होने लगा, अभी जो इसमें लगाते देखता हूँ। ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, जो उसको पंखा को हाथ से घुमाने से घूमता है, इसलिए एक बार खोल के उसको देखता हूँ। या कुछ इसका बूस वूस कुछ भी हुआ शुरू से कुछ भी ख़राब हुए तो उसको चेंज कर लूँगा। पहले इसको खोल लेता हूँ। उसको खोलने के लिए आपको ये जो 8 नंबर का बोल्ट लगा है, उसमें जो आप या साइज या रिंग में खोल सकता है, इसको खोल लेता हूँ। से खुल गया है, ये दोनों अलग अलग हो गया है। ये जो देखो खुल गया है, ये जो हमारा बूस है यहाँ से ब्लैक हो गया है। ये जो देखो
तो वो उसका क्या खराब है उसमें, देखो कैसे लगा है। ये जो देखो हमारा जो हमारे रूटर है, ये रूटर है, रूटर में लगा उसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद साफ करके उसको लगा लेता हूँ, उसके बाद साफ कर देता हूँ। ये जो इसको पहले साफ करके देखता हूँ उसका बूस सही है नहीं है, नहीं है तो उसका एक बूस चेंज कर लूँगा। ज़्यादा नहीं हिलने लगता, थोड़ा थोड़ा सा पीले लग रहा है और बहुत अच्छा है, हल्का हल्का सा हिल रहा है। ऊपर का देखता हूँ, ये भी देखो हल्का सा थोड़ा थोड़ा खींचने होगा बस, इसमें थोड़ा ऑयल कम था इसलिए ऐसे हो गया था। अभी इसको वह लगा के अच्छे से इसका फिट कर लूँगा, इसको हम पूरी तरह से साफ कर लिया, साफ करने के बाद इसका ये जो नीचे का है साफ्ट में भी लगा लेता हूँ, पूरी तरह से फ्री हो गया है। अभी ऊपर भी सकल इसको ऐसे कर लूँगा, जो ऊपर का प्लेट है उसमें भी तेल लगा लेता हूँ। तेल लगा दिया, उसमें साफ में भी हल्का सा तेल लगा देता हूँ, उसमें तेल देने का है, इसमें ग्रीस व्रीस कुछ नहीं देने का है। इसको फिटिंग कर लेता हूँ जैसे लगा था पहले, इस तरह से इसको फिटिंग कर लेता हूँ। ये जो इसको अरे उसको जैसे लगा था पहले इसको वैसे हम फिटिंग कर लेते हैं उसको।
देखो पहले तो धीरे नहीं था, अभी इसको आप चेक करके भी बता कितने तेज़ी से, उसका साउंड भी नहीं आएगा, पहले थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा था। मोटर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, अब इस तरह से कूलर मोटर के घर में इसे रिपेयर कर सकता है।